विपिन त्रिपाठी आईआईटी दिल्ली से प्रोफेसर के पद पर सेवानिवृत्त है, वो हमारे सामने है, हमारे साथ मौजूद है, अपने अनुभव वो सुनाएंगे हमको। बहुत उनके अद्भुत अनुभव है। मेरी तो उनसे आपसे जानकारी अलवर से है, अलवर में आप 2-3 बार आए थे तो आपसे मुलाकात हुई, और जीवन सिंह जी, एन के जयमन साहब, बहुत सारे लोगों के साथ अद्भुत मृदा के धनी हैं। कम्युनल हारमोनी में आपने बहुत काम किया है, बहुत। पिछले 30 साल से सांप्रदायिक सद्भाव के लिए जितना काम त्रिपाठी जी ने किया है, मैं नहीं समझता कोई व्यक्ति इतना कर सकता है। आपको, आप सब लोगों को पता होगा कि वो 3-4 बार तो गोधरा गए, वहाँ के लोगों से संपर्क किया, और मैं तो जब भी आपसे संपर्क करता हूँ तो ये पता लगता है कि आज वहाँ गए हैं सद्भाव के लिए, आज पहलू खां से मिले हैं, आज गौरी लंकेश के परिवारों से मिले हुए हैं, आज जो है अहमदाबाद गए हुए हैं। तो आप में अद्भुत क्षमता है और एनर्जी है, आपसे हमें, हम निरंतर सबक लेते रहते हैं। मैं ज़्यादा समय न लेकर, मैं आपसे सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि आपने जो पिछले 30 वर्षों से सांप्रदायिक सद्भाव में काम किया है, वो हमारे श्रोताओं को बताइए कि आपके क्या अनुभव रहे हैं, क्योंकि ये अद्भुत अनुभव हैं, और फिर पिछले 10 सालों के अनुभव तो और भी अद्भुत रहे होंगे। तो सबसे पहले तो त्रिपाठी जी पहले अनुभव बताएं। जी जी, नमस्कार। बहुत बहुत शुक्रिया गुप्ता जी। ये 30-32 साल हो गए, 1990 की 6 जनवरी को मैंने अमेरिका में NRIs की एक बैठक बुलाई थी, क्योंकि तब हिंदुस्तान में राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और एक बहुत बड़ा दंगा भागलपुर बिहार में हुआ था, उसमें करीब 950 लोग मारे गए थे, 50 हिंदू और 900 मुसलमान। और जब मैंने मालूम किया तो पता लगा कि ये ज़्यादातर लोग, लगभग सारे के सारे लोग कमज़ोर तबकों के हैं, कारीगर हैं या मजदूर हैं, और ये जो नफरत की आंधी है इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। धर्म का तो एक ओढ़नी ओढ़ रखी थी, ये प्योर हेट्रेड थी, और प्योर हेट्रेड इस बात के लिए थी कि हमारे हिंदुस्तान का जो इलीट है, कॉरपोरेट इलीट, व्यापारी इलीट और अफसर इलीट, इसके दिमाग में ये बात भरी पड़ी है कि हमारे लिए जो चैलेंज है वो वर्किंग क्लास से है, किसानों से है, कमज़ोर तबकों से है, और ख़ासतौर से ऑर्गेनाइज सेक्टर में तो इंडस्ट्रियलिस्ट को लगता था कि मजदूर हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। तो मजदूर की एकता को तोड़ने के लिए, उसके आत्मा को मिट्टी में मिलाने के लिए नफरत का एक जहर डाला गया। शुरुआत तो इसकी 1969 में जब अहमदाबाद के दंगे हुए थे और उधर के दंगे हुए थे भिवंडी के, तब से हुई। लेकिन 1989 में जब रामशिला पूजन का आंदोलन चला तो इस नफरत को इतने ऑर्गेनाइज तरीके से कि उसमें साधु महंत भी शामिल हो गए धर्म संसद के नाम से, उसमें पॉलिटिकल पार्टी तो बीजेपी थी ही, पूरे हिंदुस्तान का व्यापारी तबका जुट गया, पूरे हिंदुस्तान का पंडित तबका जुट गया उसमें, या अफसर वर्ग जुट गया। तो मुझे लगा कि ये सारा का सारा नफरत को राजनीतिक औजार के रूप में, एक्सप्लॉयटेशन को और रिप्रेशन को मजबूत करने के लिए ये काम चला। तो मेरे दिमाग में 2 बातें रहीं। पहली बात तो ये रही कि आम लोगों के बीच में जाऊं और उनसे कहूं कि ये आपकी बेहतरी का, आपके धर्म की श्रेष्ठता बता के आपको श्रेष्ठ बताने की कोशिश नहीं है, ये आपकी आंखों में, आपकी रूह को मिटाने की, आंखों में धूल डालने की बात है, ताकि आपका वजूद
हिंदू है मुसलमान का नहीं, आप तो इंसान हो और आपकी जो असली ताकत है वो है आपकी सच्चाई, आपकी आत्मा की दर्दमंदी, उसको खत्म करके आपको जानवर बनाने की साजिश है और ताकि आपका ही शोषण चलता रहे। तो एक बात तो मेरे दिमाग में थी कि मैं जनता के बीच में जाऊं, दूसरी बात ये थी जो गांधी ने सिखाई, ईसा मसीह ने सिखाई, विनोबा जी गांधी उसमें मोहम्मद साहब ने सिखाई, आपस में मत लड़ो, हुकूमत के गलत कानूनों से लड़ो। तो हमारे दिमाग में था कि चूंकि ये सत्ता हासिल करने का एक इंस्ट्रूमेंट है, उस वक्त तो सरकार के इनके हाथ में नहीं थी, सरकार तो या कांग्रेस की थी या जनता दल की थी या और किसी पार्टी की थी, लेकिन हिंदुस्तान का जो तबका जिसका संसाधनों पर कंट्रोल है, नौकरियों पर कब्जा है, उन तबकों में इसकी डोमिनेंस थी इस आइडियोलॉजी की। तो इसलिए मैंने सोचा कि हुकूमत को उसका फर्ज याद दिलाएं, भले ही वो बीजेपी की हुकूमत ना हो, कि वो इनको रोकें, और अगर उसमें हिम्मत नहीं है तो जनता में से आवाज़ उठे इस आंधी को रोकने की। तो दो स्तरों पे काम किया, जनता में जाने के लिए हमने पढ़ाई लिखाई का एक मसला चुना कि गरीब बस्तियों में जाएं, जहाँ हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, कई जगह तो हम सिर्फ हिंदू बस्तियों में ही गए जहाँ दलित बच्चे पढ़ते थे, जैसे एक स्कूल था उसमें 250 लड़कियाँ थीं, तो हमने उसमें पढ़ाना चालू किया वीकेंड्स में। फिर किसी बस्ती में गए, एकता पंचायत का गठन किया, वहाँ पर जहाँ हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे तो वहाँ के बच्चों को गणित पढ़ाई, लेकिन गणित के बाद जो हम बात करते थे उनकी आत्मा से बातचीत करते थे, तो ये नफरत वाला एलिमेंट हम सामने ले ही आते थे कि भाई आपने आपको इस नफरत के पर्दे से बाहर कर लो ताकि आप आदमी को आदमी के रूप में देख सको। तो ये एक एफर्ट रहा, लेकिन ज़्यादातर ये हमारे जो एफर्ट रहे पढ़ाने के, वर्कशॉप करने के, ये शुरू में तो रेगुलर रहे, जैसे कि 1990 से हमने जब काम शुरू किया तो लगभग 2000 तक, या 2004 तक हम कुछ पॉकेट्स में पढ़ाते रहे, लेकिन 2004 के बाद से हमारा रेगुलर पढ़ाने का सिलसिला नहीं चला, हमने वर्कशॉप का सिलसिला चलाया। शुरुआत तो हुई थी गोधरा के दंगे से, के बाद 2002 में गोधरा का दंगा हुआ मार्च में, और 9 महीने तक वहाँ पे रात का कर्फ्यू लगा रहा, दिन में भी हिंदू इलाके के ऑटो वाले मुस्लिम इलाकों में नहीं जाते थे एंड वाइस वर्सा। तो मैंने अपने साथियों से कहा, गोधरा में हमने टीम बना रखी थी, एक डॉक्टर सुजात वली हैं, मुकुंद भाई सिंधव हैं और कुछ साथी थे, तो उनसे हमने कहा कि 1000 बच्चों का हम गणित का वर्कशॉप करते हैं 2 दिन का, और हमने गणित का वर्कशॉप किया 2 दिन का। उसमें 500 हिंदू बच्चे थे, 500 मुस्लिम बच्चे थे, और उसकी तैयारी के लिए हमने 24 टीचर्स को तैयार किया, 1 दिन उनका वर्कशॉप किया कि हम क्या टॉपिक पढ़ाएंगे, कैसे पढ़ाएंगे, और वो हमारा वर्कशॉप 2 दिन चला। 5 कायदे हमने 10वीं कक्षा के लिए, उस साल 10वीं का रिजल्ट गोधरा का बोर्ड का रिजल्ट 28% रहा था, तो ज़्यादातर बच्चे मैथमेटिक्स में फेल थे, तो हमारे वर्कशॉप में आए, और हमने कोई इश्तिहार नहीं दिया, कोई विज्ञापन नहीं हुआ, उसके बावजूद 1000 परिवारों में हमारी बात पहुंची और उन्होंने अपने मोहल्ले वालों से बातचीत की, तो गोधरा की वातावरण में उसका अच्छा असर पड़ा। अपनी गणित की चर्चाओं के द्वारा बाद में हमने करीब 1.5-2 घंटे का एक सेशन इंसानियत के ऊपर किया था कि आप हिंदू मुसलमान नहीं हो, आप मुकम्मल इंसान हो और इंसान की 3 पहचान हो, जो उस वक्त तो हमने इतनी क्लैरिटी से नहीं रखी, आज मैं रखता हूँ। पहली पहचान इंसान की कि जो बात दिल में हो जुबान से बोलो, यानी कपट मत रखो। दूसरी बात, आँख खोल के दूसरों को देखो बगैर प्रेजुडिस के। और तीसरी बात, ईमान की कमाई खाओ। जो आदमी इन 3 चीज़ों का पालन करता है वो मुकम्मल इंसान है, उससे बड़ा धरती पर कोई और नहीं है। इसलिए हम इंसान का सम्मान करना सीखें, और आदमी को जात, धर्म, देश, भाषा, ये इस प्रकार के जो लेबल लगे हैं, ये तो पैदा जिस घर में हो गए, जिस देश में हो गए, वैसा नाम अपना पड़ गया। हमारी पहचान तो हमारे व्यवहार से होती है। ये बात मैंने लोगों के दिमाग में डाली और वही हमारा मेन फोकस। दूसरी बात जो खुल के सामने आई 1992 के बाद से, वो ये आई कि आज हमारे मुल्क में कोई मुसलमान बादशाह या हिंदू राजा हुकूमत नहीं कर रहे, फिर भी हिंदुस्तान में इतना फर्क है कि हिंदुस्तान के लगभग 28-30% आदमी मेहनत मजदूरी करने के बावजूद भूखों मरते हैं,
बड़ी तादाद में लोग बेरोजगार हैं, पढ़ाई लिखाई के अवसर बहुत कम है लोगों के पास, उच्च शिक्षा में हमारे देश के 12-20-22% लोग पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मुल्क के जो संसाधन है इनके हाथ में नहीं है, या तो सरकार के हाथ में या व्यापारी तबके के हाथ में, और वो तबका इस तरीके से कारखानों की या अर्थव्यवस्था को चलाता है ताकि मुट्ठी भर लोगों से रईस होते जाएं और बाकी लोगों के लिए काम मिले तो मिले, नहीं मिले तो नहीं मिले, और काम मिले भी तो उनको अपनी उपज का, अपने मेहनताने का पूरा भुगतान ना हो, ऐसी सूरत पैदा कर रखी है। तो मैं यही कहता था कि आप औरंगजेब का नाम लेके, बाबर का नाम लेके, पृथ्वीराज का नाम लेके आज के इंसान को जलील मत करो। वैसे भी हम सब पे एक बहुत बड़ा दौर गुजरा है इंपीरियलिज्म का। इंपीरियलिज्म के पहले यानी 1757 के पहले जब अंग्रेजों की हुकूमत मुल्क में आई, उसके पहले हमारे देश में 300 बरस तक बड़े अकाल नहीं पड़े थे। ये अमेरिका के एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं एडम जोन्स, उन्होंने किताब लिखी दी जिनोसाइड, उस किताब में इसका हवाला दिया हुआ है। तो एक बात मैं लोगों को यही कहता हूँ कि आप अगर राजा महाराजों ने कभी कोई गलती की है तो उसकी सजा मजदूर को मत दो, कारीगर को मत दो, अवाम को मत दो, किसान को मत दो, क्योंकि इनके बाप दादे भी उन राजाओं के जमाने में मजदूर ही रहे हो। इसलिए शोषित वर्ग, शोषक वर्ग की के बुरे कामों की सजा ना दें, ना सोचो। ये बात मेरा इस तरीके से रहा। और जहाँ तक सत्ता की बात थी, तो जितने बड़े बड़े सरकार के कानून आए, जैसे रिसेंटली CAA का कानून आया, या कश्मीर के सवाल का दर्जा खत्म किया, कश्मीर के राज्य का दर्जा खत्म किया, जम्मू कश्मीर का, उसको यूनियन टेरिटोरी बना दिया, तो मैंने महसूस किया कि ये किसी भी राज्य की जनता का हक है कि उस राज्य के लोगों की मर्जी से उस राज्य के बारे में पॉलिटिकल फैसले लिए जाएं, उनकी रजामंदी से लिए जाएं। यहाँ तो आपने उनके राज्य का दर्जा ही खत्म कर दिया बगैर पूछे उनको, और उनकी जुबान बंद करने के लिए इतनी मिलिट्री बैठा दी, उनका इंटरनेट बंद कर दिया, जुबान बंद कर दी, और पूरे हिंदुस्तान भर में जुनून पैदा हुआ कश्मीर के लोगों के खिलाफ। भाई कश्मीर के लोग भी हमारे अपने लोग हैं। तो मैंने उस सवाल पर सरकार के इस कदम का विरोध किया और उसके लिए हमने पर्चे बांटे। दिल्ली में CAA के सवाल पर जो महिलाओं ने सम्मेलन किए या धरने दिए, हम उसमें शरीक हुए। उसी तरीके से किसानों के सवाल पर जब सरकार ने कॉरपोरेट मुखी कानून बनाए, तो मैं बार बार जाता था, हर हफ्ते में एक या दो बार किसानों के बीच में, और उसमें अपने पर्चे बांटता था। हमने किताब भी लिखी थी उस वक्त किसानों की समस्याओं को समझाने के लिए, तो वो काम किए। यानी सरकार के गलत कानूनों का प्रतिकार, ये दूसरा हिस्सा है सांप्रदायिकता से लड़ने का, तो हमने वो अख्तियार किया। तीसरा काम जिसमें हम कामयाब नहीं हुए, जिसमें काम करने की ज़रूरत है, वो है कि जहीं कहीं जहाँ कहीं दंगा भड़क जाए, उस सूरत में हम वहाँ जाएँ, बल्कि उसके पहले जाएँ कि जब तनाव पैदा होता है दंगे को पैदा कराने के लिए, तो हम लोगों के अंदर जुनून ठंडा करें। लेकिन हम अभी कर नहीं सके। एक दो जंगों में जरूर, जिस वक्त दंगा चल रहा था, जैसे वेस्टर्न यूपी में चल रहा था, हम उस दिन वेस्टर्न यूपी गए, एक गांव में थोड़ा कोशिश की तो उस गांव में दंगा नहीं हुआ, लेकिन पड़ोस के गांव में हुए, तो थोड़ा बहुत तो हमने इंटरवीन उस वक्त किया। लेकिन जब दिल्ली में दंगा हुआ अभी 2020 में फरवरी में, तो हम उसको गए तो थे बीच में रोकने के लिए, लेकिन कामयाब नहीं हुए, क्योंकि उसका बिल्डअप 3-4 दिन से चल रहा था, और उस दौरान अगर हम जाते या उसके पहले से उस इलाके में काम करते तो हमारे कुछ बेस बन जाते, तो लोग हमारी बात सुनते, वो हुआ नहीं। तो इस फ्रंट पे हमारी कमजोरी रही, ये कुल मिला के हमारी एक्टिविटी रही। बहुत बढ़िया त्रिपाठी जी, क्योंकि आप, मैंने उन दिनों सुना था कि आप कई बार गोधरा गए। जी जी हाँ, तो ऐसा 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 लेखन भी आया था कि आपकी जानकारी में गोधरा का कोई दूसरा सच भी है क्या? एक तो मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि लेखन ऐसा ऐसा लेखन भी आया समाज में और मीडिया पर कि गोधरा का दूसरा सच भी था जो छुपाया गया सत्ता के द्वारा। दूसरा, आपको क्या लगता नहीं है
कि जो मुसलमान जो हमारे देश में बना है वो हमारी जो वर्ण व्यवस्था का जो एक तरह से पाप है ना, जी जी, जो वर्ण व्यवस्था की जो बहुत नीचता की जो हद तक कमेरे वर्ग के प्रति जो दुर्भावना है ना, जो गैर बराबरी जो हमारी तहजीब में है ना, उस वजह से भी हमारा जो कमजोर तबका है, दलित तबका है और कमीरा वर्ग जो है वो मुसलमान बना। सही, प्रेमचंद जी ये कहते हैं अपने लेखन में कि भाई मुसलमान आदमी, मुसलमान जो बना हमारे यहाँ वो तलवार के बल पर नहीं बना, बल्कि मुस्लिम धर्म में एक समानता का भाव था। उस समानता के भाव से को लेकर के भी हमारा जो पिछड़ा हुआ अस्पृश्य तबका, दलित तबका, कमेरा तबका, वो हमसे, हमसे का मतलब समाज से छटक के वो मुसलमान बना। तो वो हमारी वर्ण व्यवस्था और तथाकथित हिंदू धर्म की कमी रही। अब ये जो आज जो सत्ता 10 वर्ष से बहुत तरीके से एक घृणा पूरे समाज में फैला दी है, तो इनके मन में कहीं ये भी है कि ये दलित तबका है और हमारे समाज में दलित तबके से नफरत है। जी, एक जी, साथ जी। ये दोनों काम, इनके मन जी, में जी, दलितों से के प्रति भी नफरत है जबरदस्त। इनके मन में आप कहीं भी बात करिए तो अब आजकल दलितों के खिलाफ सीधे बात नहीं करते, लेकिन आप थोड़ी सी बहस करने लग जाएंगे तो इनके मन में दलितों के प्रति जो दुर्भावना है, जो गैर बराबरी है, वो लाइमलाइट में आ जाती है। सही है आपकी बात, सही है। तो मैं समझता हूँ कि दो एजेंडे एक साथ लागू कर रहे हैं। सही है, सही है आपकी। तो दलितों के प्रति इनकी नफरत का भाव है और मुसलमान कमीरा वर्ग भी है और दलित वर्ग भी है। सही है, सही है। दूसरा, हमारा मुसलमान, मुस्लिम समाज में समानता का भाव, धर्म में समानता का भाव हमसे ज्यादा है। जी जी। और हमारा जो समाज है वो श्रेणीबद्ध समाज है। जी जी। हमारे समाज में की तहजीब में असमानता या गैर बराबरी या न्याय के प्रति कमिटमेंट है ही नहीं। जी जी जी। तो ये अपने इस एजेंडे के तहत दलितों को भी दूर कर रहे हैं और मुसलमानों को भी दूर कर रहे हैं और वो सवर्णवाद को में घी डाल रहे हैं। तो आज जो लड़ाई शुरू हो गई है वो एक तरह से सवर्णवादी प्रवृत्ति, जी जी, बनाम मानववादी या समतावादी या न्यायवादी या संविधानवादी या नैतिकतावादी प्रवृत्ति के बीच एक ऐसी लड़ाई शुरू हो गई। बहुत अच्छी बात, जी जी। और ऐसा लगता है कि हमारा जो पढ़ा लिखा वर्ग भी अंदर से सामंती ही है, वो सामंती वे मूल्यों से अभी निकला नहीं है। तो आप, क्योंकि अब तो लड़ाई बहुत गहरी हो गई, अब जो तो इनको जी, ऐसा एजेंडा मिल गया है, जबरदस्त ऐसा एजेंडा मिल गया है कि अब तो इनको अपनी सत्ता जाने की चिंता ही नहीं है। उच्च वर्ग को अपनी सत्ता जाने की लगभग चिंता ही नहीं है। और जी जी, और एक नया जो अंबेडकर ने चिंता जाहिर की थी कि बहुमतवाद यदि आ गया तो वो पहचान को आगे बढ़ा देगा। आज हम जो हिंदू तथाकथित हिंदू समाज है उसमें एक पहचानवाद ला दिया है। विभिन्न तरह के फेटे, विभिन्न तरह की जातियां, विभिन्न तरह की पहचान, कोई आदिवासी को लेकर के है, कोई फेटे को लेकर के है, कोई दुसाध को लेकर के है,
तो हमारे समाज में इतनी प्रवृत्ति डेवलप कर दी है कि संवैधानिक नैतिकता से हम बहुत दूर हो रहे हैं। आपको इस संबंध में और आपके अनुभव हैं तो आपको व्यूअर्स जानना चाहते हैं कि आप क्या समझते हैं इस संबंध में, क्या आपकी राय है? आपका विश्लेषण बहुत सही है, बस इसमें एक दो बातें मुझे ये जोड़नी है कि जब से स्टीम इंजन आया तो उसकी एक बड़े कारखाने आए और जिन जिन मुल्कों पे यूरोपीय मुल्कों का कब्जा था उन कारखानों के खातिर उनको लोहा चाहिए था, उनको कोयला चाहिए था, उनको कच्चा माल चाहिए था और बाजार चाहिए थे। तो जिन जिन पे उनकी हुकूमत थी डायरेक्टली, जैसे हिंदुस्तान पे थी, अफ्रीकन मुल्कों पे थी और कई मुल्क एशियन देशों पे भी थी, तो उन पर सीधा कब्जा किया। तो अब क्या हुआ कि उस वक्त क्लास बिकेम ए इम्पॉर्टेंट फैक्टर। तो जाति का तो उत्पीड़न था ही, गैर बराबरी थी ही, और धर्म का एक धर्म में इतनी मनमुटाव नहीं था हिंदुस्तान में, बौद्ध हिंदू और मुसलमानों के बीच में 500-700 साल का ऐसा पीरियड गुजरा जब मिलजुल के रहे। धार्मिक घृणा बहुत कम थी, ना के बराबर थी, जाति घृणा थी लेकिन धार्मिक घृणा नहीं थी। लेकिन जब से ये स्टीम इंजन आया और हिंदुस्तान का जब कुटीर उद्योग चौपट हुआ, उस कुटीर उद्योग चौपट होने की वजह से, वरना वही बंगाल जहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के कारीगर आके और व्यापारी आके अपना कारोबार चलाते थे, दुनिया भर में कपड़ा हमारा जाता था, पूरी वर्ल्ड के इसमें जीडीपी में हमारा योगदान 25% था जबकि आबादी 12% रही होगी, तो हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी थी, गांव-गांव में लोगों को काम धंधे मिलते थे। कट्टरता जाति की तो थी लेकिन फिर भी गांव में ही लोगों को काम धंधा मिल जाता था, भूखमरी नहीं थी, कोई बड़ा अकाल 300 साल तक पड़ा नहीं था। लेकिन जैसे ही हमारे हिंदुस्तान की पूंजी बाहर जाने लगी, साम्राज्यवाद का पहली निशानी होती है कि जिस मुल्क को आप गुलाम बना के रखते हो उस मुल्क की अर्थव्यवस्था को अपने साम्राज्यवादी मुल्क की अर्थव्यवस्था का गुलाम बनाते हो, सब सर्वियंट बनाते हो और उसके जरिए लूटते हो। उत्सव पटनायक ने एक बहुत अच्छा आंकड़ा निकाला कि अंग्रेजी राज के 190 बरस में हिंदुस्तान की 45 ट्रिलियन डॉलर दौलत हिंदुस्तान से इंग्लैंड गई और आज हमारी जो टोटल दौलत पैदा होती साल की लगभग 3 ट्रिलियन डॉलर है, यानी आज की कमाई का 15 गुना दौलत हिंदुस्तान से बाहर गई जिससे भूखों मरने लगे। तो अब हुआ ये कि एक तो चीज वो आई, दूसरी चीज आई 1886 में ये इसका इंटरनल कंबस्टन इंजन यानी डीजल और पेट्रोल का इंजन आ गया। तो तेल के मुल्कों पे कब्जा करो, तो तेल के मुल्क तो ज्यादातर ओटोमन एम्पायर के तहत आते थे, टर्किश एम्पायर के तहत, उन पे कब्जा करो, यानी सब लूटा है, हिंदू भी लूटा, मुसलमान भी लूटा, बौद्ध भी लूटा, ईसाई भी लूटा, गरीब मुल्कों का या डेवलपिंग कंट्री का हर आदमी लूटा है। और हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि ये 190 या 200 बरस का जो दौर गुजरा ये सामूहिक शोषण का दौर है। और हमें कहानी किससे पढ़ाए जाते हैं कि हमें मुगल बादशाहों ने या मराठाओं ने या उसके पहले के किसी और दूसरे राजा ने लूटा, अरे वो उस जमाने की बात है। लेकिन उस पर पर्दा डालने के लिए, इस 200 साल के चीज पर पर्दा डालने के लिए आज की हुकूमत खास तौर से हमें अंधा बना रही है, कभी लिया औरंगजेब की कहानी, कभी किसी की कहानी, कभी यानी जो असली संघर्ष 190 बरस हिंदू और मुसलमानों ने मिलके किया, वर्किंग क्लास ने अपने वजूद को बचाने के लिए किया और आजादी की लड़ाई भी लड़ी हमने सबने मिलके, उस पर पर्दा डालने के लिए तमाशा खड़ा किया जा रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो आपने सही कहा कि जाति का जो उत्पीड़न और डिवीजन था और धार्मिक दोष उसमें शरीक हो गया, ये हमारी बहुत बड़ी कमजोरी है। लेकिन इसका जो मुख्य मोटिव है वो है एक्सप्लॉयटेशन, और जो आपने कहा सामंतवादी सोच के दबा के रखो, कुचल के रखो, उसमें एक चीज और जोड़ के रखी कि लूट के रखो, इतना लूटो कि उठ ना सके, ऐसा तोड़ के रखो कि इकट्ठे हो ना सके, ये चीज चल रही है। तो मैं तो ये चाहता हूँ, उसी में से सुराग मिलता है कि इसका रास्ता क्या है। हम चाहते हैं कि हमारे हिंदुस्तान के जो भी 10-20% खुले दिमाग के लोग हैं और वर्किंग क्लासेस, हिंदुस्तान में 80% आदमी तो वर्किंग क्लासेस का है, 40-50% तो किसान अकेला है और करीब 15-20% मजदूर तबके के लोग हैं,
और तो कारीगर तबके के लोग हैं, इनको जोड़ो तो करीब 75-80% पड़ जाते हैं। ये लोग भले ही टेम्परेरीली रामनवमी के जुलूस में शरीक हो जाएं, कभी मुहर्रम के जुलूस में शरीक हो जाएं, और कई जगह उत्तेजना में भी कुछ पत्थरबाजी कर दें, कुछ हिंसा कर दें, उसके बावजूद आम जनता हमारे मुल्क की अभी भी मेरे ख्याल से उसकी आंखें खोली जा सकती हैं। उनके बीच में हम मोहब्बत से जाएं, अपने घमंड को ख़त्म करके जाएं, तो हम उनसे दिल से जुड़ें, तो उनका हम दिमाग इस घृणा की राजनीति से हटा सकते हैं। मेरे ख्याल से उसकी ज़रूरत है। हेलो, हाँ मैं, हेलो जी, हेलो हाँ त्रिपाठी जी, जी जी हाँ त्रिपाठी जी, जी जी हेलो जी जी हाँ, ये आज़ादी के आंदोलन की लड़ाई के दौरान और उसके बाद भी, आज़ादी के बाद भी मध्य वर्ग में एक कर गुजरने की इच्छा थी, सही, कुछ बदलाव की इच्छा थी, कुछ नया कुछ करने की इच्छा थी, और वो कर भी रहा था, उसने निर्माण किया भी। जो अनंत संस्थाएं हैं वो एक तरह से मध्य वर्ग की देन है, लेकिन ऐसा क्या हो गया पिछले 25-30 सालों से, मध्य वर्ग ने एक तरह से न्याय के प्रति, समानता के प्रति है, इवन संविधान के प्रति है, और एक बराबरी के प्रति, एक सामुदायिकता के प्रति उसने पलटी मार ली है। और वो सरकार की कोई भी बात हो वो अब बिल्कुल मौन है, सही, इतना सही। इतना आत्मलीन हो गया है। मैं, हमारे दो चार मित्र हैं, उनको तो छोड़ दो आप, वरना सब इतने भक्त हो गए हैं, भक्त मतलब हमारी, मैं तो समझता हूँ ऐसा दिवालियापन, मैं हरियाणा भी रहा हूँ, मैं भरतपुर भी रहा हूँ, अलवर भी रहा हूँ, गंगापुर भी रहा हूँ, ऐसा माहौल मैंने कभी नहीं देखा, सही, कि हम लोगों में जो एक जानने की प्रवृत्ति हुआ करती थी, यूरोप में तो 200 वर्ष पहले एक अद्भुत प्रवृत्ति थी, 200 300 400 वर्ष पहले ज्ञान के प्रति एक ललक थी, ज्ञान की, ज्ञान के प्रति एक ऐसा चस्का था जिसको आप रेनासे कहें या ज्ञान पिपासु दुनिया कहो, हमारे यहाँ ज्ञान के प्रति जो कमिटमेंट है वो केवल टेक्नोलॉजी के प्रति कमिटमेंट हो गया है। सही कह रहे हैं, वो केवल अपनी चीजों राहत तो चाहता है, वो स्किल तो चाहता है, लेकिन उसकी समाज के प्रति कमिटमेंट धीरे धीरे गायब हो रहा है। सही है, इस समय मैं तो समझता हूँ समाज में अराजकता है, लेकिन अराजकता लगती नहीं है लोगों को, लोग तो मस्ती मौज तो है, पेंशन मिल तो रही है, बाजार में सब कुछ उपलब्ध तो है, और मुझे ऐसा लगने लगा है कि हमें केवल और केवल बाजार की जो आजादी है, बाजार में जो चुनने की जो आजादी है वो तो रह जानी है, बल्कि जो जो हमारी बोलने लिखने विचार करने की आजादी लगभग गायब हो जानी है, जैसे जैसे मुस्लिम कंट्रीज में इस समय हो रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपको यायावर है एक तरह से, आपका तो हर समय बैग तैयार रहता है, और आपको पूरे मुल्क में जो है घूमते ही रहते हैं और अलग जगाते रहते हैं, उसमें ऐसा है कि ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि 1900 वैसे तो हिंदुस्तान में जब आज़ादी अपन को मिली तो पॉलिटिकल पावर सेकुलर थी, लेकिन हिंदुस्तान का जो प्रशासक तबका था पुलिस को मिला के, उसमें बहुत बड़ा फ्यूडल एलिमेंट, उसमें बहुत बड़ा सांप्रदायिक एलिमेंट था, लेकिन चूंकि हुकूमत जो थी वो कम्युनल नहीं थी, लिहाजा ये बदी जुबान
मैं इतने वोकल नहीं थे सेक्टेरियन एलिमेंट्स। जब मैं आईआईटी में पीएचडी करने फॉर इंस्टेंस आया 1969 में या 67 में, तो उस वक्त आईआईटी में अच्छी खासी तादाद सांप्रदायिक लोगों की थी फैकल्टी में, और विद्यार्थियों में तो और बड़ी तादाद थी। और लेकिन क्योंकि हुकूमत बीजेपी की नहीं थी या जनसंघ की नहीं थी तो, या हिंदू महासभा की नहीं थी, तो कॉन्सिक्वेंटली इतने वोकल नहीं थे। लेकिन जितनी भी संस्थाएं खड़ी की इन्होंने कि वो आर्य समाज का हवन कराना संडे को और हरि सत्संग हवा चलाना, धर्म के नाम पर इन्होंने अपने आप का जाल फैलाया, तो ये तो चल रहा था। लेकिन 1990 के बाद जब इनके हाथ में हुकूमत आने लगी कई राज्यों में, और बाद में तो फिर सेंटर में सरकार आई गई, दरअसल टर्निंग पॉइंट हुआ 1989, जब मंदिर आंदोलन के नाम पर कई जगह पुलिस ने इनकी आरती उतारी राधा जन विरोध करने की जगह, कई जगह रूलिंग पार्टी के लोग भी इनके खिलाफ जुबान खोलने से डरते थे। तो ये जो सूरत पैदा हुई उस वक्त हिंदुस्तान का ये जो पढ़ा लिखा तबका था, जो अदरवाइज काफी सिग्निफिकेंट सेंसिटिव और इंसानियत वाले लोग भी थे, तो उनकी आवाज तो धीरे धीरे कमजोर होती चली गई, और जो रूडी एलिमेंट, राउडी और सांप्रदायिक एलिमेंट था वो वोकल होता चला गया, एग्रेसिव होता चला गया, और उसने अपने दीन बनवा लिए, अपने वाइस चांसलर बिठवा लिए, और उनके जरिए अपनी प्रमोशन वगैरह करने लगा, बाकी लोगों को ह्यूमिलिएट किया गया। आज हालत ये है, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी है, अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में 91 कॉलेजेस हैं, 91 कॉलेजेस में करीब 10,000 टीचर्स हैं, उन 10,000 टीचर में 5,000 पक्के और 5,000 एडहॉक या टेम्परेरी। अब आजकल वो चल रहा है कि भाई इनको रेगुलर अपॉइंटमेंट होंगे, तो लगभग आधे टीचर जो 5,000 एडहॉक टीचर्स हैं उसमें से आधे टीचर तो लिए जा रहे हैं, आधे निकाले जा रहे हैं। और उसका कंसिडरेशन, एक बड़ा कंसिडरेशन इस बात का कि अगर आप वाइस चांसलर साहब की जो राजनीतिक विचारधारा है, डीन महोदय की जो राजनीतिक विचारधारा है, उससे अगर आप जुड़े हैं तब तो आप वेलकम हैं, अदरवाइज आपको निकाल दिया जाएगा। ये जो सांप्रदायिकता का एक सर्टिफिकेट चाहिए आपको तब आप आगे बढ़ोगे, वरना आप निकाल दिए जाओगे। ये चीज ओवर द ईयर्स ऐसी बन गई कि सच्चा आदमी भी जो टोटली सेकुलर है, इंसानियत को मानने वाला है, वो भी अगर सच्ची बात कहेगा तो किसी न किसी बहाने उसके ऊपर कि तू एंटी नेशनल है और ये है वो है, क्योंकि इतनी जुनूनी चीजें हो गई कि उसमें सच्ची बात कहनी मुश्किल है कि आप तो एंटी रिलीजन हो, आप तो एंटी नेशनल हो, इस तरीके का तमाशा। यानी जेएनयू जैसी जगह में मैं जब जाता हूँ या जामिया जाता हूँ, जामिया में मुझे पर्चा बांटना मुश्किल, वो सिपाही आ जाएगा कि साहब आप किसका पर्चा बांट रहे हो, क्यों बांट रहे हो, आप नहीं बांट सकते, डीन से परमिशन लेके आइए, और डीन साहब परमिशन देंगे नहीं। यानी अजीब चीज है, जिस जमा जहाँ पे मैं पिछले 30 बरस से जाता था और खुल के बात करता था लोगों से, अब वहाँ पे अपना पर्चा, वो भी कोई मैं बड़े पैमाने पे, ऐसा नहीं कि हर एक को पर्चा दे रहा हूँ, पहले 4 लोगों से बात करूंगा फिर पर्चा दूंगा, 4 पर्चे उनको, तो उसको भी रोक लग गई। तो ये इस तरीके का, चूंकि अथॉरिटी जैसी बिठा दी गई है ऊपर से, इस वक्त सेकुलर एलिमेंट सबड्यूड और दबा हुआ है। और मैं, ठीक है आपकी बात कि भाई इसी सूरत में भी आदमी को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, सच्ची बात कहने का हौसला रखना चाहिए, एंड आई थिंक वी नीड टू प्रिपेयर पीपल फॉर दैट। तो वो हो सकता है कि 2 साल में वो ताकत लाएंगे लोग, क्योंकि इनकी आत्मा घुट रही है। आई हैव सीन मैनी पीपल हु आर फीलिंग सफोकेटेड, और वो उभर के आएंगे। आप तो सत्ता का इनके पास होना बहुत खौफनाक चीज हो गई है। पुलिस इनके पास है, एक और कातिलों का, लिंचिंग करने वालों का ग्रोह भी है इनके पास, तो हर जगह मतलब जहां जाओ वो हावी हो जाते हैं, एंड यू हैव टू बी आर्टिकुलेट, कूल, तब आप अपनी बात कह पाएंगे। अगर हल्की सी भी उत्तेजना में हमने कुछ बात कह दी, अब तो यहाँ तक के मतलब टीपू सुल्तान कैसा था, वहां मापला विद्रोह हुआ इसमें केरल में, उसके बारे में भी मतलब इतिहास में जो एस्टेब्लिश चीजें हैं उनको नकार के उनको ही गद्दारी का आंदोलन और हिंदू मुस्लिम द्वेष बढ़ाने वाली चीज बताई जा रही है। तो अब उस मैग्नीट्यूड पर जब दुर्भावनाएं फैलाई जाती हैं तो उसकी काट करने के लिए बहुत आर्टिकुलेट और ठंडे दिमाग की जरूरत होती है, विच की आई थिंक थिंग्स विल इवॉल्व। आपको आपको लगता नहीं है कि ये जो मोनोपोली जो टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी फिनेंस की जो मोनोपोली ग्लोबल लेवल पर आई है जी जी, उससे वो जो बहुत ज्यादा ताकतवर हो गई है, और दूसरी तरफ जो ऑर्गेनाइज्ड लेबर है वो इनकी दया पर आ गया है, जो एक जमाने में वो एक एक बार्गेनिंग एक हम पढ़ाया करते थे कलेक्टिव बार्गेनिंग, अब वो कलेक्टिव बार्गेनिंग का मुझे लगता है चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। जिस तरह से तेजी से मल्टी और वो हमारा जो पूंजीपति है वो ग्लोबल पूंजीपति से मिल गया है, और बिल्कुल। हाँ, और वो ये चाहता है कि समाज हिंदू मुस्लिम में बटा रहे, तो हमको गुलाम, अब उसको इस बात की चिंता नहीं है कि ये हमारा लेबर है, ये हमारा एम्प्लॉई है, बल्कि उसको तो ये कि ये झक मार के हमारे यहाँ नौकरी करेगा। जी जी, वो जी, जो जी। जो रिजर्व फोर्स है जो पहले बहुत कम होती थी लेबर की, वो रिजर्व फोर्स निरंतर बढ़ रही है, सही है, सही बढ़ा दुनिया में भी और हिंदुस्तान में भी, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर चल रहा है, हमारे दामाद तो ये भी कह रहे थे कि आजकल तो ये नौबत आने वाली है कि हम भी इरेलीवेंट हो जाएंगे और सारा ऑटोमेट हो जाएगा। तो ये जो जी 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 रोजगार की जो जो वो है उससे इनके पास में मोनोपोली कॉरपोरेशंस के पास में ऐसा टूल हाथ आ गया है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, और ऐसे ऐसे कॉरपोरेशन तैयार हो गए हैं जो 10-10 कंट्री से ज्यादा जीडीपी है उनकी। सही है, सही है। और सरकार उनके एजेंडे को ही लागू कर रही है। हम लोग, मैं तो ये समझता हूं, जैसा आपको जानकारी है कि हमने बहुत छोटे लेवल पर बच्चों में, क्यों मैंने महसूस किया कि भाई जो समझदार इंसान है उसमें बदलने की संभावना कम होती है, क्योंकि वो तो पक्का घड़ा होता है, तो पके जी जी पके घड़े मानों ने तो मान सकते हैं अपन, उसको कलर तो कर सकते हैं लेकिन उसको बदल नहीं सकते। तो हमारे मेरे मन में आया कि भाई चलो बच्चों में थोड़ा बहुत काम करें, थोड़ा बच्चों में अलग जगाएं, एक तरह ऐसे ही जैसे गिलहरी ने समुद्र को भरने के लिए अपनी अपनी मेहनत की थी और वो मिट्टी में मिलकर के वो समुद्र में फड़फड़ा देती थी, तो हम बच्चों में जैसे काम करते हैं उसके बारे में भी हम ये चाहते हैं कि हम ये केवल बच्चों में ये चाहते हैं कि बच्चे क्वेश्चन करना शुरू करें, बच्चों में जिज्ञासा डेवलप की जाए, बच्चों की परवरिश ऐसे हो कि वो उनमें कास्ट क्रीड सेक्स और ये धर्म पुराण इसके प्रेजुडिसेज माँ बाप से और टीचर से ना आए, बल्कि उनकी जो है ग्रोथ जैसे फ्लावरिंग प्रॉपर होती है पेड़ की वैसे ही फ्लावरिंग हो, ऐसा हमारा मकसद। हम कामयाब तो कितना होते हैं वो तो बड़ा बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आदमी को जब तक जिंदा है तब तक कुछ करते रहना चाहिए। ये आपकी की प्रेरणा है, तो बहुत बुनियादी कर रहे हैं आप, बहुत ही परफेक्ट काम है, यही यही आगे आने वाले समाज की बुनियाद डाल रहे हैं। और फिर आपको मैंने बताया भी था कि जैसे पिछले दिनों हमने जब बच्चों से ये कहा कि हम भाषण नहीं देंगे, क्योंकि भाषण से बदलता नहीं, बच्चा भी नहीं बदलता, बच्चा भी उबता है, बच्चे माँ बाप के भाषण से भी उबता है, टीचर्स के भाषण से भी उबता है, तो हमने कहा हम भाषण नहीं देंगे, हम तो आप क्या सोचते हैं हम जानना चाहते हैं, और आपके कोई जिज्ञासा है तो हम शांत करेंगे। तो आप देखिए जो खास बात थी वो ये थी, शुरू में बच्चे तैयार नहीं थे, बच्चों ने क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन जब उनको लगा कि यहाँ कोई डर नहीं है, कुछ भी पूछ सकते हैं, तो आप देखिए 10-10 बच्चों के हाथ खड़े हो गए। तो मेरे लिए ये जीवन का अद्भुत अनुभव था। जी जी, अद्भुत कि बच्चों में संभावना है। कोई रेनेसा तो हमारे मुल्क में हुआ नहीं, वो तो होगा कभी न कभी, जब जब मध्य वर्ग के समझ में आएगा। आज तो मध्य वर्ग के समझ में नहीं है कि बदलाव की जरूरत है, मुझे ऐसा लगता है,
नहीं ठीक कह रहे हैं, मध्य वर्ग है उसको कार की जरूरत है, एसी की जरूरत है, अच्छी लाइफस्टाइल की जरूरत है, अपने बच्चों का फॉरेन वो की जरूरत है और सब जरूरत है, लेकिन समाज में जो दुर्गति हो रही है और कमजोर तबका जो परेशान है उसको उसकी उसका कोई कष्ट नहीं है, उसके मन में कोई पीड़ा नहीं है, और पीड़ा यहाँ तक कि पड़ोसी भी यदि परेशान है उसको भी पीड़ा नहीं है, तो ये बहुत चिंता की बात है। आप इसमें आप हमसे सुझाव दें क्या करें क्या ना करें। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि इंसान की पहचान ऊपरी तौर पे तो भाई उसकी क्या तनख्वाह है, कितनी बड़ा घर है, ये सब है, ये ऊपरी पहचान है। अंदर आदमी जो जीता है खाना पीने और लिबास के अलावा, वो जीता है अपनी सेंसिटिविटी को। अगर उसके अंदर दूसरों के दर्द का एहसास है तो जिंदा है, वरना मरा है। और इस वक्त हमारा मध्यम वर्ग लगभग अपनी आत्मा को मार चुका है, तो वो काम उसकी आत्मा को खुद ही उसको खोखलापन महसूस होता है। अब आजकल क्या है कि जैसे 12वीं में बच्चे आए 11वीं में और उनको ये कंपटीशन लगा के साहब मेडिकल में जाना है, इंजीनियरिंग में जाना है और फिर वो करके अमेरिका जाना है, वो लाइन लगी हुई है और उसमें 10% कामयाबी होगी और 90% तो फेल होना है, नहीं तो होगा तो दूसरा कोई रास्ता ढूंढेंगे। इस भटकाव में यानी हर परिवार में आप बच्चे आपके घर की कोई कारोबार हो, जमीन हो, उसके जरिए उसका भले ही अच्छा सा गुजारा हो जाए लेकिन उसको डिससेटिस्फेक्शन है कि साहब हमें इस समाज में फला किस्म की नौकरी चाहिए, फला किस्म का स्टेटस समाज में चाहिए, उसके पीछे दौड़ रहा है। तो चलो भाई वो तुम कर लो, सभी कर रहे हैं, लेकिन इतने अंधे मत बन जाओ कि तुम्हें पड़ोसी आदमी से घिरना इसलिए है क्योंकि उसका धर्म तुमसे अलग है, क्योंकि उसकी जात तुमसे अलग है, क्योंकि वो लड़की है इसलिए तुम उसको इंसानी ना मानो। यानी अगर आदमी इतना गिर जाए कि इंसान की पहचान ही भूल जाए, उसके साथ उसका व्यवहार बिल्कुल एक खौफनाक आतंकी की तरह होने लग जाए, कहने को अपने आप को चाहे वो धार्मिक गुरु बोले, चाहे नेता बोले, चाहे देशभक्त बोले, लेकिन है सब आतंकी ही जो दूसरों को टेररिज करे, दूसरों को जलील करे, भले ही आप ऊंची गद्दी पर बैठे हो, डजंट मैटर, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे कोई हो, इफ यू आर थ्रेटनिंग पीपल देन यू आर ए टेररिस्ट। और चूंकि आपके हाथ में मिलिट्री भी है, पुलिस भी है, व्यापारी भी है, मीडिया भी है, तो आपकी टेररिज करने की पावर तो बाकी तमाम टेररिस्टों को मिला दो उससे हजार गुनी ज्यादा है, एंड यू आर ए रियल टेररिस्ट। और अगर आप उन्हीं की गुलामी करने पर आमादा हो गए, इसका मतलब आपकी आंखें मिट्टी में मिल गई, दिखता नहीं आपको। तो हमारे मध्यम वर्ग को तो हमें इस चेतना को जगाना ही जगाना है कि लुक एट योर चाइल्ड हु इज स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल इन दिस कॉम्पिटिटिव सोसाइटी एट द लेवल ऑफ 11th ग्रेड 12th ग्रेड। आप उस पर सोचो, आपकी लड़कियों के साथ कहने को तो तरक्की कर रही है लेकिन शादी के बाद जिस हालात में हमारी बेटियां रहती हैं इस मुल्क में, वो किसी के लिए सेटिस्फेक्शन की बात नहीं है। अब आप उसमें इसी के लिए उनको संतोष दिलाओ कि देखो तुम बड़ी धर्म की हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम जैन हो, तुम ये हो, तुम वो हो। अरे भाई, इस जाति के बड़प्पन को, इस धर्म के बड़प्पन को हम उस खोखलेपन को भरने में इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमने अपनी बेटियों के लिए दे रखा है। ये उनकी घर में कोई आवाज नहीं, जितनी कैपेबिलिटीज उनकी है उस किस्म की उनकी नौकरी नहीं, असली प्रॉब्लम तो हमारी बेटियों की ये है। एंड आई थिंक वी कैन रीच आउट टू दीज गर्ल्स, दीज बॉयज, एंड वी कैन मेक ए चेंज। मैं कह नहीं सकता कि इसको बड़े पैमाने पे ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे करें, लेकिन आपकी जो शुरुआत है इतनी सटीक है। आज आप पढ़ा रहे हैं 6वीं 8वीं के बच्चों को, वही बच्चे थोड़े बड़े होंगे, हो सकता है अगली इस बार आप 10वीं कक्षा के बच्चों को रीच आउट करें, यही बच्चे 4 साल के बाद अगर इनका दिमाग खुला रहा, ये क्वेश्चन कर सके, अपने माता पिता को भी, अपने टीचर को भी, अपने प्राइम मिनिस्टर को भी क्वेश्चन कर सके, इफ दे कैन हैव दैट कैपेबिलिटी, आई थिंक आपने देश की बुनियाद डाल दी, बहुत बड़ा काम है। मैं चाहता हूँ कि आपके इस काम से मैं भी कभी आके जुड़ूं। आप बहुत बहुत अच्छा लगा आप, और दरअसल इस समय बहुत मन बहुत क्षुब्ध है, डरा हुआ है और बेचैन है, और हर सुचिंतित आदमी का जो मन है वो इस समय बहुत
बहुत चिंतित है, बहुत डरा हुआ है और कुछ भी नहीं लगता कि क्या करें क्या ना करें। वो ऐसा ऐसा लगता है कि और ऐसा लगता है कि कुछ नहीं होना है, कुछ बदलना नहीं है। और ये और लगने लगा है कि 2024 के बाद तो और बुरा समय आने वाला है। जिस तरह से मीडिया पर कंट्रोल किया है, वो जैसे लिंकन जो कहते हैं, लिंकन जो अब्राहम लिंकन जो कहते हैं कि यदि सभी आदमियों को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते, लेकिन सभी आदमियों को हर समय बेवकूफ नहीं बना सकते, कभी कभी उनके समझ में आ जाता है, सभी आदमियों का कुछ न कुछ लोगों को आ जाता है तो बदलाव आ जाता है। लेकिन यदि मीडिया कंट्रोल्ड है, यदि मीडिया कंट्रोल्ड है तो आप सभी आदमियों को लंबे समय तक बेवकूफ बना सकते हैं। जैसे मेरे मन में जैसे हमारे समाज के मन में गैर बराबरी बहुत लंबे समय से भरी पड़ी है, बचपन से। जिस तरह से हमने अछूत को देखा तो गैर बराबरी और अन्याय हमारी तहजीब का, मैं तो समझता हूँ हमारी तहजीब का हिस्सा है। हाँ, असहिष्णुता नहीं थी इतनी, आज असहिष्णुता और बढ़ गई है। खैर, आपसे और आप कोई मैसेज हमको देना चाहते हैं, सोसाइटी को देना चाहते हैं? आप तो योद्धा है समाज के और आप लगे रहते हैं, आप तो जहाँ जहाँ आप तो पुस्तक मेला भी लगता है तो आप खड़े रहते हैं, पर्चे बांटते रहते हैं, आपका मुकाबला कोई नहीं करता। और आप अपने कॉन्शियस से जीने वाले आदमी। मैं दो तीन बातें कहता हूँ कि 2024 का आपने जिक्र किया तो हमारी जो गांधी जी ने 1916 में एक बात रखी थी वाइसराय के सामने, जब लखनऊ उसके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी चल रही थी, वाइसराय सब गए हुए थे, तो उन्होंने आज़ादी का खाका रखा था। उन्होंने कहा था कि हमें ऐसी हुकूमत चाहिए जो जनमुखी हो, प्रो पीपल हो, जो ट्रांसपेरेंट हो और डेमोक्रेटिक हो। और वाइसराय साहब से कहा था कि हुजूर, हमारे देश की मजदूर जब महीने भर काम करता है तो उसको 3 रुपए की तनख्वाह मिलती है या मजदूरी मिलती है, आपके ऊपर 1,00,000 रुपए खर्च होता है, तो हम चाहते हैं कि हम हमारे देश के नुमाइंदे बने, जिस तरीके से हमारे हिंदुस्तान के लोग गुजर बसर करते हैं वैसे ही आपका रहन सहन थोड़ा हल्का पड़ जाए। ऐसा गांधी जी ने उनके सामने बात रखी थी और देश के सामने भी है, वही हमारे सामने चुनौती है। इस वक्त हमारे जो प्रधानमंत्री हैं या उनका मंत्रिमंडल है, उन्होंने पार्लियामेंट की जुबान बंद कर दी, यानी पार्लियामेंट का आदमी भी जुबान बंद है। पीएमओ की हुकूमत चल रही है, पुलिस का राज चल रहा है, बुलडोजर का राज चल रहा है, तो जुबान बंद हो गई है। गांधी जी ने इसके लिए आंदोलन चलाया था, रोलर टैक्स सत्याग्रह 1919 में, और उसकी फिर जरूरत है। तो 2024 का जो चुनाव है हमारे लिए, वो भी सत्याग्रह का एक रास्ता है। मैं चाहता हूँ कि हम इन 12 महीनों का इस्तेमाल लोगों के दिमाग में हुकूमत का एक करेक्टर फिर से बनाने के लिए करें कि हम ऐसी हुकूमत लानी है जहाँ पे पार्लियामेंट का एक एक मेंबर उसकी जुबान होगी, सच्ची बात पर बहस करेगा, हुकूमत उसको इंटिमिडेट नहीं करेगी। गांव-गांव की बस्तियों में चुनाव प्रचार के दौरान ये कातिल घूमेंगे नहीं, गौ रक्षक घूमेंगे नहीं और लोगों की जुबान बंद नहीं करेंगे। आपको इस काम को करने की जरूरत है। आई थिंक एक तो ये, दूसरा आज धर्म स्थानों से ये जो घृणा की बातें कही जाती है इस मैग्नीट्यूड तक कि नरसंहार करना है मुसलमानों का, नरसिंहानंद कहते हैं, कई लोगों ने कहा है, और उनकी प्रतिवाद सरकार नहीं करती, उनका बड़े बड़े धार्मिक गुरु नहीं करते, यानी बुजदिली उनमें आ गई है या सह देते हैं इन चीजों को। तो मैं चाहता हूं कि धर्म के केंद्र में इंसानियत को लाना, राजनीति के केंद्र में जनता को लाना, सत्ता का जो रुझान कॉरपोरेट मुखी बन गया उसको जनमुखी बनाना, ये हमारी अगली लड़ाई है। और चुनाव के दौरान तो अपन को करना ही करना है, लेकिन चुनाव के पहले भी लोगों के दिमाग से ये जहर निकालना, नफरत का जहर, ताकि इन सवालों पे आदमी इंसान बन के कैंपेन चलाए, इंसान बन के वोट करे और सरकार की पे निगरानी रखे। मैं चाहता हूँ, यही मेरे लिए चंद बातें मैं चाहता हूँ कि अपने जो भी सुनने वाले हैं उन तक पहुँचे। और आपकी जो मुहिम है बच्चों का
दिमाग स्वस्थ और विचारशील बने, तर्कशील बने, उसी में से संवेदना पैदा होगी, वही मुहिम दरअसल अपन को बड़े पैमाने पर चलानी। आज बहुत दिनों बाद आपसे आपसे रूबरू हुए हैं और आपके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। अपना टाइम जो है आपका एक घंटा अपने व्यूअर्स को दिया, सौभाग्य हमारा। अगर आप इजाजत दें तो एक गजल के दो शेर सुना दूं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। मैं चाहता हूं कि आज आपने इतना अच्छा मौका मुझे दिया, तो मैंने एक दिन घूम रहा था तो मेरे दिमाग में आया कि जब हम मिट्टी में मिलेंगे तो हिंदू मुसलमान नहीं रहेंगे। तो दरबारे वफा के नाम से मैंने भगवान को याद किया या कुदरत को याद किया, उसी पे एक दो दो तीन शेर सुनाता हूँ। दरबारे वफा में जब एक दिन सब लोग बुलाए जाएंगे, मंजर वो क्या मंजर होगा, सब भेद भुलाए जाएंगे। दरबार वफा में जब एक दिन चोट हिंदू मुस्लिम लड़की लड़के ऊंचे नीचे काले गोरे छोटी टोपी पगड़ी वाले एक पांत बिठाए जाएंगे। दरबार वफा में जब एक दिन मेहनत पे बसर करने वाले आपस में मदद करने वाले सच की खातिर मरने वाले सब लोग जिलाए जाएंगे। दरबार वफा में जब एक दिन दौलत का जिनको लोभ नहीं, तोपों का जिनको खौफ नहीं, रंजिश से परे रहने वाले हाथों पे उठाए जाएंगे। दरबार वफा में जब एक दिन, और आखिरी शेर है, अल्लाह ब्रह्म शिव राम कृष्ण दुर्गा का होगा एक अक्स, पैगंबर सारे धर्मों के एक साथ दिखाए जाएंगे। दरबार वफा में जब एक दिन। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत 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 अच्छा लगा सर, बहुत बहुत बड़ी मेहरबानी। धन्यवाद धन्यवाद।